देखा आज हम बना रहे हैं करेले कीमा, जो कि बहुत मज़े का बनता है, रमज़ान के लिए स्पेशल है, बनाना बहुत आसान है। आइए नाज़रीन बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका? अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने रहमत के साए में रखे। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप का साया हमारे साथ हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, ताकि वो रमज़ान के रोज़े रख सकें, अल्लाह की इबादत कर सकें। आमीन। आइए नाज़रीन आज की रेसिपी शुरू करते हैं। करेले कीमा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, गर्मियों की ये स्पेशल डिश है। इसे पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन ये देखिए, इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑयल, 1.5 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, 1.5 टीस्पून जीरा जाएगा, 1 टीस्पून जाएगा सूखा धनिया जो मैंने क्रश कर लिया है, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें जीरा पाउडर। जी नाज़रीन, ये बीफ कीमा है जिसे मैंने पहले बॉयल कर लिया है, लहसुन डाल के अच्छी तरह मैंने इसको बॉयल कर लिया है। जी नाज़रीन, 8 अदद हरी मिर्ची है जिसे मैंने चॉप कर लिया है ऐसे, और मैंने 8 अदद प्याज लिए हैं जिसे मैंने काट के रफली काट लिया ऐसे। जी नाज़रीन, ये 6 अदद टमाटर जाएंगे जिसे मैंने काट लिया है। जी नाज़रीन, ये जाएगा करेले जिसे मैंने अच्छी तरह रगड़ के नमक लगा के अच्छी तरह धोया है। इसको धो के फिर मैंने मलमल के कपड़े में से अच्छी तरह मैंने इसका पानी ड्राई किया है, और ये इस शक्ल में आ गए हैं नाज़रीन। ये देखिए, ये 1 किलो करेले थे जो काट के बना के धो के ये इतने रह गए हैं बस ये। जी नाज़रीन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए नाज़रीन चाहिएगा 1 अदद घी डाल लेंगे थोड़ा सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल, और थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे इसमें। जी नाज़रीन, इधर हम अपने करेले फ्राई कर लेंगे। नाज़रीन बहुत मज़े के बनेंगे ये इंशाल्लाह। इधर हम करेले फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह, और इधर हम कीमे का मसाला तैयार कर लेंगे, ताकि हमारे करेले की माँ जल्दी से रेडी हो जाए। नाज़रीन बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आएगा, आप घर में ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और इधर नाज़रीन हम बनाएंगे कीमे को अच्छी तरह, थोड़ा सा डालेंगे प्याज, थोड़ा सा प्याज सोते करेंगे, तो जी नाज़रीन देखें प्याज सोते हो गया है। ये मैंने बीफ लिया था, इसमें मैंने 1 पूरी गुठली लहसुन की डाल के इसे मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। जी नाज़रीन, अब ये कीमा जाएगा इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हम करेले में नमक कम डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने जब इसको हमने बनाया है नमक लगा के इसे धूप में रखा है 15 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें नमक होता है, ये अपना नमक खुद छोड़ेगा हंडिया में, इसमें नमक हम बहुत कम यूज़ करेंगे, और कि भी पहले नमक डालना है नमक कम ही यूज़ करेंगे। अब नाज़रीन इसमें जाएगा पाउडर मसाले जो मैंने आपको बता दिए हैं,
और इसमें जाएगी हरी मिर्च और इसमें जाएंगे टमाटर जी। नाक अच्छी तरह इसको हम सोक करेंगे टमाटर भी ताकि कीमे में अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। नाजिन बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह, करेले कीमा बहुत मज़े के बनेंगे, आप घर में ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह। ये टमाटर के पानी में ही खुशक हो जाएंगे, मतलब ये कीमा और ये सब कुछ टमाटर पानी खुद छोड़ती हैं अपना, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। अब ढक्कन देकर 5 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जी नाज़रीन ये देखें मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया है। ये देखें नाज़रीन टमाटर भी सॉफ्ट हो गया, मसाला यकजान हो गया, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, साथ चाहे तंदूर के पराठे लगवा लें, लस्सी बनाएं, चाहे सहरी में खाएँ, चाहे इफ्तारी में खाएँ, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको घर में, बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत मज़े का लग रहा है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन जानिए मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मैं कहती हूँ आप बनाएंगे तो वाकई जी कमाल है ये चीज़ें। जी नाजी देखिए इधर ये हमारे करेले भी फ्राई हो गए अच्छी तरह, देखिए नाजी इसका कलर भी चेंज हो गया। इसमें भी अपना ऑयल छोड़ दिया, ये देखना है कि फ्राई हो गया और ये मसाला भी हमारा रेडी हो गया। अब इसमें जाएंगे प्याज, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखना है थोड़ा प्याज को इसमें फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का सा, फिर इसमें करेले ऐड कर देंगे माशाल्लाह। अब इसमें जाएंगी कटी हुई 4 अदरक हरी मिर्च जो इसमें 4 चांद लगा देंगे। माशाल्लाह करेले करेले कीमा बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह, आप भी घर में ज़रूर बनाएं। इसे हम नाजरीन सहरी रखेंगे, साथ बनाएंगे पराठे, साथ बनाएंगे मीठी लस्सी, नाजरीन मज़ा आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के खानों में बरकत डाले आमीन। और ये कोरोना जैसी जो वबा फैली हुई है पूरे मुल्क में,
पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला उससे हमें निजात दे, आमीन। जी ना, तो 10 मिनट ढक्कन दे के पकाएंगे। जी नाजीर, देखिए हमारा कीमा करेले बनके रेडी है, जो कि बहुत मज़े का बना है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। जी नाजीर, देखिए मैं से डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, देखें हमारा कीमा करेले पक के रेडी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए, आमीन। चलती हूँ नाज़रीन ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।